ओके आज का 2000 स्टॉक एक हो सकता है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अच्छा हाँ, अदानी एंटरप्राइजेस बैन से बाहर आया है, लेकिन मैं इस वजह से इसको नहीं दे रहा, इस वजह से लोग ट्रेड कर पाएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस में आपको करनी चाहिए खरीदारी, और क्यों करनी चाहिए वो ये कि 17 तारीख शाम का 18 तारीख का ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। कारमाइकल माइंस जो है अदानी की, उसको लेकर समस्याएं चल रही थी और उस पर एक केस चल रहा था और उसका इन पे स्टे ऑर्डर आया हुआ था, तो उस कोर्ट ने आदेश दिया है, जिन लोगों ने यहाँ पर माइनिंग रोकने की बात की थी उनका आदेश खारिज कर दिया, और उन्होंने बोला लैंड से रिलेटेड, इनके ओनरशिप से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप इनके इनको ये ऑर्डर खत्म करते हैं और इनको माइनिंग की इजाजत है। तो ये एक बड़ा फंसा हुआ मामला था जो अदानी के लिए क्लियर हुआ, इसलिए कल ये स्टॉक भागा, कल पता नहीं चला, तो कल जब हम शाम को रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि इस वजह से ये स्टॉक चला है और इस वजह से स्टॉक बैन से भी बाहर आया है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है अदानी के लिए। और दूसरी बात, हालांकि उन्होंने लगाया नहीं पेनल्टी, लेकिन जिन लोगों ने इनके अगेंस्ट में अर्जी दी थी जिसकी वजह से अदानी को नुकसान हुआ, उनका ये कहना था कोर्ट का कि आप लोगों पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए। अच्छा, तो ये दो है, तो हमने 317-18 के आसपास मेरे ख्याल से कवर किया, थोड़ा लेट तो हुआ क्योंकि खुलने के बाद करना था एफएनओ का स्टॉक, तो कम से कम टारगेट, मेरा टारगेट माफ कितनी से 221-22 के आसपास का बनता है, लगभग वहां तक तो आ चुका है। कुणाल जी, एक बार रिवाइज स्टॉप लॉस टारगेट जरा आप बता दें। देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है अनिल जी, मुझे लगता है कि जिन्होंने आज खरीदा है 215 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखें 215 का, और इसके लिए जो टारगेट है 227 का टारगेट रखें, 227 रुपये का पोजिशनल टारगेट है। और आज के लिए जब आपने बोलना शुरू किया छोटा बताओ, हाँ अनिल जी, जब आपने बोलना शुरू किया था उस समय 218 का लेवल था, तो 2000 रुपये तो सभी के बन ही गए होंगे क्योंकि 222 रुपये तो ऑलरेडी हो ही गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए 225 रुपये का एक टारगेट रखें 225 का, मौजूदा स्तरों पर बने रहने, अपने कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लें, क्योंकि जिन लोगों को छोटी कमाई करनी 2000, जिनके बन गए हैं वो ले लें, और जिनके नहीं बने हैं वो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखें ताकि आपको नुकसान हो, क्योंकि और ये हम तब बोल रहे हैं जब डे हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान किसी का नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए पहली बात, क्योंकि कमाई आपको थोड़ी करनी छोटी 2000, जिसको बड़ी करनी है वो रिस्क बड़ी ले तो वो समझ में आता है, जिनको छोटी कमाई करनी है अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लें और 225 का टारगेट, बाकी मेरा 221-22 का टारगेट था जो लगभग अचीव हो चुका है, 216-217 के आसपास आपने चर्चा शुरू की थी स्टॉक की, अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, लेकिन कुणाल का व्यू है कि आप अभी भी इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 225 और 227 के टारगेट के लिए। तो ये है आज के 2000 का।